मैं समझता हूँ कि पृथ्वीराज कपूर जी एक बहुत बड़ा नाम है जी, ना केवल थिएटर से जुड़े हुए, ना केवल फिल्मी जगत से जुड़े हुए, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। और ये सम्मान जो मुझे मिल रहा है, मैं इसे सम्मान के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानता हूँ। मैं नहीं जानता कि सम्मान के मैं लायक हूँ या नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर ये सम्मान मुझे दिया जा रहा है तो कला के प्रति मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिस महान शख्सियत के नाम पर मुझे सम्मान दिया गया है, अगर उस शख्सियत के दिखाए रास्ते पर चलते हुए कला के लिए, थिएटर के लिए मैं कुछ अच्छा कर पाया तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो मैं इसे एक जिम्मेदारी के रूप में ग्रहण कर रहा हूँ कि ये मेरे कंधों पर एक जिम्मेदारी है। बड़ी खुशी की बात है ये कि हरियाणा के अंदर जो है थिएटर अब बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बहुत से साथी हैं जो थिएटर के साथ जुड़कर कला के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें रास कला मंच का बहुत बड़ा योगदान है, रवि मोहन जी का, उनकी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। अगर सही मायनों में कहूँ तो कुछ साल पहले तक हरियाणा में केवल एक ही कल्चर को जाना जाता था, वो था एग्रीकल्चर। कल्चर की बात होती थी तो केवल एग्रीकल्चर की बात होती थी, लेकिन अब जो है कला, परफॉर्मिंग आर्ट, इसमें बहुत हरियाणा तरक्की कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी हरियाणा जो है वो देश में अपनी पहचान बना रहा है, विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी हरियाणा को पहचान बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। मुझे याद है हमने बहुत से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, और जो मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को कुछ प्रपोजल भेजे, उसमें मैंने कथक डांस का भेजा, उन्होंने स्वीकार कर लिया। मैंने उसमें बिहू डांस जो आसाम का है उसका प्रपोजल भेजा, उन्होंने स्वीकार कर लिया। मैंने हरियाणा के फाग डांस का उनको प्रपोजल भेजा, उन्होंने कहा मैं समझ नहीं आई कौन सा डांस है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं जो हरियाणा से जुड़ा हुआ कल्चर है, अभी जो पहचान उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। तो प्रयास है, आपकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, रास कला मंच, इस प्रकार जितने भी साथी पूरे हरियाणा में लगे हुए सभी अगर मिलकर प्रचार करेंगे पर प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा के जो कल्चर है, हरियाणा की जो लोक संस्कृति है, हरियाणा का जो थिएटर है, उसको एक अच्छी पहचान मिल सकती है। इसके पीछे एक विशेष कारण है, हम लोगों का जो शुरू से एक कार्यक्षेत्र था वो था अवेयरनेस का, कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करें, जितनी भी सामाजिक बुराइयाँ हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उनमें लोगों में जागरूकता पैदा करें। लेकिन मैंने महसूस किया कि जब आप लंबी स्पीच लोगों को देते हैं, भाषणबाजी करते हैं, लोग उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते और बहुत कम लोग जो हैं आपकी बात को सुनने के लिए आगे आते हैं। लेकिन वही बात अगर कला के माध्यम से कही जाए, परफॉर्मिंग आर्ट के माध्यम से कही जाए, तो उसको देखने के लिए भी ज़्यादा लोग आते हैं, उसका असर भी जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। आर्ट इज ए टूल फॉर द सोशल एक्टिविज्म। हमने जो संस्था का नाम रखा निफा, नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट, वो भी इसलिए रखा कि मेरे नजरिए में आर्ट इज द बेस्ट टूल फॉर सोशल एक्टिविज्म। अगर किसी को सोशली लोगों को अवेयर करना है तो अगर वो परफॉर्मिंग आर्ट के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से, कोरियोग्राफी के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से अगर सोशल मैसेज को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसका जो है उसको देखने के लिए उसके साथ जुड़ाव ज़्यादा लोगों का होता है और उसका असर भी लंबा होता है। तो इसलिए हम कला और सोशल एक्टिविज्म दोनों को क्लब करके चल रहे हैं, दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, थोड़ी नहीं बहुत सहायता करते हैं। हमारे यहाँ ना जाने कितने सेमिनार होते हैं, सैकड़ों सेमिनार होते हैं। अगर हम देखें हर शहर में महीने में तीन चार सेमिनार होते हैं, वो होते हैं, चले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या वो सेमिनार हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन जब इस प्रकार के फेस्टिवल होते हैं उसके बारे में पूरे शहर को पता चलता है, राधर प्रदेश को पता चलता है। आज अगर आपका नवा चलो थिएटर रोहतक के अंदर हो रहा है तो वो केवल रोहतक के लोगों तक सीमित नहीं है, पूरे हरियाणा में और देश के अलग हिस्सों में जो है इसके बारे में चर्चा हो रही है, इसके बारे में लोगों को पता चल रहा है कि रास कला मंच का नवा थिएटर फेस्टिवल जो है वो रोहतक में हो रहा है। तो जब इस प्रकार की कला क्षेत्र के बड़े फेस्टिवल होते हैं जिसमें बड़े नाम आते हैं, अच्छे कल्चरल ग्रुप आते हैं, थिएटर लेकर, डांस लेकर या कुछ और जो अपनी परफॉर्मिंग आर्ट की जो उनकी विधा है उसे लेकर आते हैं, तो उसका मैसेज बड़ा स्ट्रांग और बहुत दूर तक जाता है। और फेस्टिवल का जो प्रभाव है, क्योंकि दो बातें हैं, एक तो आम व्यक्ति जो है वो कला के साथ जुड़ना चाहता है, कला को देखना चाहता है, तो ज़्यादा लोग आते हैं उसके साथ जुड़ने के लिए, ज़्यादा लोगों तक मैसेज कन्वे होता है, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के फेस्टिवल जो हैं जो संदेश देना चाहते हैं। एक चीज़ और भी है, आज कहीं ना कहीं जो हमारा हमारी कला जो है वो आधुनिकता की और हमारा यूथ जो है वो आधुनिक कल्चर की ओर ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होता जा रहा है। मैं उसे गलत नहीं मानता, आधुनिक जो कल्चर है, जो मॉडर्न परफॉर्मिंग आर्ट है, वो भी एक आर्ट है,
लेकिन कहीं उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें संस्कृति से दूर लेकर जाती हैं, वल्गरिटी उसमें आपको देखने को ज्यादा मिलेगी, लेकिन जो हमारा जैसे थिएटर है, हमारी अपने जो फोक लोक नृत्य हैं, हमारा जो क्लासिकल नृत्य है, हमारा जो अपना कल्चर है, अगर हम उसका इस प्रकार के फेस्टिवल के माध्यम से उसको आगे बढ़ाएं तो हमारा युवा, हमारा समाज, हमारे लोग जो है वो कला और संस्कृति के साथ जुड़ेंगे और कला और संस्कृति के माध्यम से अच्छे गुणों के साथ भी जुड़ेंगे, अच्छे संस्कारों के साथ भी जुड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ उसका प्रभाव जो है बहुत अच्छा समाज पर रहता है। तो बहुत लंबे समय उत्सव तो उत्सव ही है, उत्सव में जब हर व्यक्ति आता है तो वो प्रफुल्लित होकर आता है, वो खुश होकर आता है, और यहाँ का माहौल भी आपका ऐसे ही। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अपने मैसेज को बहुत दूर तक लेकर जा रहे हैं। सोशल मीडिया आज पूरी दुनिया के अंदर जो है, मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट जो है आज साधन बन चुका है, और आप यूट्यूब का जो अदर फेसबुक का सभी जो सोशल मीडिया के जितने भी टूल्स हैं आप उनका इस्तेमाल करते हो, एक अच्छी बात है। और यहाँ भी जैसे मैं आया तो बाहर आपका एक लाइव बैंड जो है वो चल रहा है लोगों को बताने के लिए कि यहाँ कुछ होने जा रहा है, तो जो आपकी इनवाइटेड ऑडियंस है उससे वो तो आती ही आती है, लेकिन इस प्रकार बाहर जैसे आपने किया है मुझे लगता है इससे जो रास्ते में चलने वाले लोग हैं उनको पता लगता है कि यहाँ कुछ होने जा रहा है, और वो भी ऐसी ऑडियंस जो है प्रोग्राम को देखने के लिए आगे आते हैं। तो यहाँ पूरा एक फेस्टिवल का माहौल है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मैनेज किया है, ऑडिटोरियम की सज्जा बहुत अच्छे तरीके से की है, मैं स्टेज डेकोरेशन आदि देख रहा था, उसमें कहीं एक कल्चर की खुशबू जो है वो आती है, सुगंध आती है कल्चर की, कला की सुगंध आती है, तो आपको बहुत बधाई इसके लिए, बहुत अच्छे से आपने मैनेज किया है। बिल्कुल कहना चाहूँगा रास कला मंच को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ, बहुत समय पहले सफेदों के अंदर एक रवि मोहन जी के डायरेक्शन में एक नाटक हुआ था अश्वत्थामा, उसको देखने का मुझे तब मौका मिला था, तब से मैं रास कला मंच को जानता हूँ, और आज यहाँ आकर ये देखकर और खुशी हुई कि रास कला मंच के साथ एक युवा टीम जुड़ी हुई है, आपके युवा साथी जिस तरीके से आए हुए लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, आए लोगों का जो है स्वागत कर रहे हैं और उनकी पूछ पड़ताल कर रहे हैं, युवा पीढ़ी जब इस प्रकार के कामों में साथ लग जाती है तो जो मैसेज आप दुनिया को देना चाहते हैं, समाज को देना चाहते हैं, उसको देने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो मेरी शुभकामनाएं पूरी तरह से साथ हैं निफा, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर काम कर रही है, रास कला मंच की टीम को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने के लिए जो हमारे से योगदान संभव होगा हम जरूर करेंगे, और मुझे लगता है कि रास कला मंच ने देश में अपनी पहचान बना ली है, अब आपको देश की हदों से बाहर भी जाना चाहिए, और उसके लिए निफा जिस प्रकार का सहयोग हो सकता है आपको करेगी। इस पूरे आयोजन के लिए, आपके जो चलो थिएटर कार्यक्रम है उसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, और सबसे ज्यादा शुभकामनाएं मैं इस चीज के लिए आपको देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा, इस कार्यक्रम के अंदर ना केवल आप थिएटर को प्रमोट कर रहे हैं, ना केवल अवार्ड आप जो है कला जगत से जुड़ी रस्ते को दे रहे हैं, लेकिन आपने एक मानवीय संवेदनाओं का एक नया उदाहरण, अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है कि आप जो देश के शहीद हुए हैं उनके परिवारों को ना केवल सम्मान बल्कि आर्थिक सहयोग भी देने जा रहे हैं। जी सर, ये बहुत कम लोग सोचते हैं, कला स्पेशली कला क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कला तक सीमित रहने में जो है अपने आप को समझते हैं, पर आप लोगों ने उससे एक कदम आगे बढ़कर मानवीय संवेदनाओं को समझा, और जो हमारे रन वाकरे हम लोगों की कि हम लोग आराम से थिएटर के अंदर बैठकर फेस्टिवल कर सकें, हम लोग अपनी कला को जो है वो लोगों को दिखा सकें, और हमारी सरहदों पर जो है वो सुरक्षा रहे, अपनी जाने मान निशावर करते हैं, अंतिम दिन जो है उनके परिवारों को आप सम्मानित कर रहे हैं, उनको ना केवल सम्मान बल्कि आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए वास्तव में बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। इस पूरे आयोजन के लिए रास कला मंच को, रवि मोहन जी, आप पूरी टीम जो उसकी एग्जीक्यूटिव के जो आप लोग मेंबर हैं, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, और परमात्मा से यही दुआ है कि ये जो चलो थिएटर है ये पूरे देश में जो है इसकी गूंज सुनाई दे, विदेश में इसकी गूंज सुनाई दे। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सर।